सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। आज मैं आपको रोड का वायरलेस गो माइक्रोफोन के बारे में बताने वाला हूँ और वो अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पाए। धन्यवाद। मैं जनरली जब ट्रैवल पे जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम शूटिंग ये GoPro Hero 8 से होता है और फोटोग्राफी DSLR से मैं करता हूँ। इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप बाहर आउटडोर शूटिंग करने को जाते हैं तो बहुत से वॉइस उसमें इंक्लूड होते हैं। ख़ास करके आप जब गाड़ी कार से जाते हो और वीडियो शूटिंग कर रहे हो GoPro से, तो वो टाइम विंड का वॉइस बहुत आता है। उसके वजह से कभी कभी आपको ये दिक्कत होती है कि आपका जो वॉइस है वो कम सुनाई देता है और बाहर का विंड का वॉइस या अगर आप मार्केट में है तो वहाँ का वॉइस वो ज़्यादा सुनाई देता है। इसीलिए मैं एक दो महीने से इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। मार्केट में वैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड के वायरलेस माइक है, लेकिन वो बहुत ही बड़े हैं। तो बाद में मैं YouTube और Google में सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि रोड का वायरलेस गो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट माइक्रोफोन है। उसमें दो पार्ट है, एक है तुम्हारे GoPro या DSLR को एक रिसीवर लगा देते हो और दूसरा पार्ट जो माइक्रोफोन का रहता है वो तुम्हारे शर्ट या टी शर्ट के कॉलर के यहाँ लगा देते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये 100 मीटर तक आप जो तुम्हारा DSLR और GoPro है उससे लंबा जाके भी बात कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम बहुत ही क्लियर आता है। उसके लिए बहुत से ऑप्शन है। आप उसके ऊपर एक फर का ये जो मैंने लगाया है वैसा टाइप का लगा सकते हैं, तो उसके वजह से विंड तुम्हारे ऑडियो में नहीं आती है और तुम्हारा वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह सुधर जाती है। अभी मैं रोड का वायरलेस गो का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये एक छोटा सा बॉक्स है, इस पे ऊपर लिखा है कॉम्पैक्ट वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। ये दो, एक रिसीवर है, एक वायरलेस माइक्रोफोन है। इसके साथ पीछे लिखा है जो जिस इम्पोर्टर है उसका एड्रेस और ये लिखा है जिसने इम्पोर्ट किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है और ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होता है। और अभी मैं ये बॉक्स खोलता हूँ, उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। एक छोटा बॉक्स है, इसमें एक पाउच है जो तुम्हारा रिसीवर और माइक्रोफोन रखने के लिए बाजू में रखता हूँ। उसके साथ दो वायर दिए हैं, ये USB केबल है चार्जिंग के लिए, सी टाइप का है दोनों, जो दोनों इंस्ट्रूमेंट के चार्ज करने के लिए दो दिया गया है। इसके साथ ये विंड प्रोटेक्शन के लिए, जो विंड का वॉइस आप जब बोलते तो उसमें आता है वो कम करने के लिए ये तुम्हारे माइक्रोफोन के ऊपर लगाया जाता है। और अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरा GoPro के ऊपर वो रिसीवर है और ये माइक्रोफोन है। ये देखिए, अभी मैं इस नज़दीक लेके बात कर रहा हूँ तो आपको डिफरेंस समझा होगा। और इसके साथ एक और एक चीज़ क्या दिख रही है, हाँ ये उसके साथ एक ये पेपर पे पूरा कैसा यूज़ करने के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है।
इतना सा छोटा सा बॉक्स है। जनरली मैं YouTube के लॉगिन के लिए GoPro यूज़ कर सकता हूँ और फोटोग्राफी के लिए DSLR यूज़ करता हूँ। लेकिन जब आप आउटडोर शूटिंग के लिए जाते हैं तो एक बड़ी दिक्कत है कि आजू बाजू में जो छोटे छोटे वॉइस है वो भी आपके ऑडियो के सिस्टम में आ जाते हैं। ख़ास करके आप जब कार से जाते हैं वो टाइम विंड का वॉइस बहुत आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विंड का वॉइस की वजह से आप का जो वॉइस है वो कम आता है और वो प्रॉपरली आप सुन नहीं पाते हैं। दूसरा है कि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में और भीड़भाड़ एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत से आपको शूट करना होगा, तो वहाँ भी आपको यही प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए एक दो महीने से मैं सॉल्यूशन देख रहा था कि इसके लिए क्या है। इसमें वैसे भी मार्केट में बड़े बड़े बहुत से माइक्रोफोन है, लेकिन वो लगाने में बहुत दिक्कत होती है, और GoPro जैसे छोटे कैमरे में तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कैमरा इतना और उसका माइक बहुत बड़ा, ये चीज़ में आती थी। मेरे पास रोड का और एक माइक भी था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उसको मैं GoPro में लगाना बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए मैं YouTube पे और Google पे सर्च किया कि क्या क्या माइक क्या क्या नए ऑप्शन है, तो उसमें मेरे को ये रोड का वायरलेस गो ये प्रोडक्ट दिखा, और उसके YouTube के बाकी ब्लॉगर के चैनल में भी मेरे को पूरा उन लोग ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मैं देख लिया, इसलिए मैं वो ऑर्डर किया। तो दो चार दिन में वो मेरे को घर पे आ गया। अब मैं इसके वजह से पूरा सेटिस्फाइड है क्योंकि आपको भी समझ में आया होगा कि मैं अभी माइक हाथ में लेके बात कर रहा हूँ, माइक्रोफोन हाथ में लेके बात कर रहा हूँ, तो उसके वजह से कितनी आवाज़ में क्लियरिटी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप आपका DSLR और GoPro ट्राइपॉड या स्टैंड पे रखो और 100 मीटर तक आप ऑडियो का रिकॉर्डिंग करो यहाँ वहाँ चहल के और आराम से। दिस इज़ सबसे ज़्यादा ये एडवांटेज है। यूट्यूब चैनल वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो एक्सटर्नल अनवांटेड आवाज़ आते हैं वो कैसे कम करें, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया और बेस्ट सॉल्यूशन है रोड वायरलेस गो। अभी किसी को लगेगा कि मैं कंपनी के लिए प्रमोशन कर रहा है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इससे 100% सेटिस्फाई हुआ इसलिए आपको बता रहे हैं, तो आपके वीडियो भी अच्छी तरह आप बना पाएंगे। ये रोड वायरलेस गो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट माइक्रोफोन है और वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे, और कौन से भी यूट्यूबर चैनल के लिए वॉइस क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो रोड का वायरलेस गो से जो GoPro पे अटैच किया है उसके साथ कर रहा हूँ। ये मेरा रिसीवर है, इससे मैं बात कर सकता हूँ, ये मैं मेरे कॉलर में या शर्ट के किसी भी पार्ट पे अटैच कर सकता हूँ। ये है उस पर विंड का नॉइज़ नहीं आने के लिए, ये ऊपर एक फर का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, तो इससे विंड का नॉइज़ बहुत ही कम अभी आएगा। आपको डिफरेंस समझता होगा, यहाँ से यहाँ जो ये पार्ट है इस ये सिग्नल रिसीव कर रहे हैं मेरे माइक के, और बेसिकली इसका मोस्ट एडवांटेज है कि मैं GoPro या DSLR से 50-70 मीटर्स तक लंबा जा सकता हूँ, मीन्स मैं फ्रीली मूवमेंट कर सकता हूँ, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और आउटडोर के लिए भी इसका आउटडोर में जो बाकी ट्रैफिक के नॉइज़ या विंड के नॉइज़ जो आउटडोर शूटिंग में आते हैं वो सब इससे ऑलमोस्ट 80-90% कम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसकी प्राइस अराउंड अभी इंडिया में 15-16 थाउजेंड के आसपास है,
लेकिन ये एक वर्थ बाइंग है, क्योंकि नहीं तो आवाज़ जो सॉफ्टवेयर में अगर विंड का नॉइज़ आ रहा है तो कम करना है तो उसके एडवांटेज होते हैं, लेकिन बहुत से डिसएडवांटेज भी है। तुम्हारा आवाज़ में भी फ़र्क पड़ता है जब तुम एडिटिंग करते वो टाइम, तो इसके वजह ये माइक के वजह से तुम विंड के नॉइज़ कम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग के टाइम बाकी वॉइस का एडिटिंग कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये देखो, ये मेरा GoPro Hero 8 है, इसमें मैं ऊपर अटैच किया हूँ, ये अभी ऑन है। ये देखो उधर सिग्नल आ रहे, जब मैं बात करता हूँ तो देखो कम ज़्यादा हो रहा है। अभी फ़िलहाल में मेरा जिससे शूटिंग कर रहा हूँ उसको मैं अटैच नहीं किया है, तो भी देखो वो मैं बाजू में रखा है, तो भी देखो मैं जब बात करता हूँ तो कम ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कितना सेंसिटिव है। इसमें ये तुम्हारा पूरा आउटसाइड वॉइस, हाँ विंड का वॉइस, और ये बहुत ही कम कर देता है। इस तरह से एक स्मॉलेस्ट है, इजीली अटैच हो जाता है। ये मेरा ट्राइपॉड पे ये मैं अटैच किया हुआ है GoPro, ये देखो हीरो 8 है। ये यहाँ आगे के साइड वाइट वाइट में राउंड दिख रहा है, वो उसका बटन है, और ये सी टाइप का केबल से चार्ज होता है, ये देखो। और एक वायर 3.5 mm का वायर उसको कनेक्ट किया हुआ है। अभी फ़िलहाल में वो रोड वायरलेस गो लगाया हुआ है, उससे ही शूट कर रहा हूँ, तो आपको ऑडियो की क्वालिटी भी समझ में आ चुकी होगी। पहला विंड का वॉइस बहुत आता था, अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी मैं ऑलमोस्ट 6 feet लंबा गया हूँ, तो कितना फ़र्क पड़ता है वो देखना पड़ेगा। अभी मैं 1.5 feet पे आ चुका हूँ, वो भी उसके बारे में भी मेरे को देखना पड़ेगा। वो अब जब मैं वीडियो देख लूँगा तो वो टाइम मेरे को समझ जाएगा। मैं ख़ास करके YouTube ब्लॉगर को रोड वायरलेस गो रिकमेंड करूँगा, लेकिन ये बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही अच्छा माइक है, जो हेवी माइक यूज़ करने से अच्छा ये वायरलेस माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पाए, और मेरा ये वीडियो भी आप व्हाट्सएप पे या आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे या बहुत से जगह आप शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे ट्रैवलिंग रश पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे ट्रैवलिंग रश है उसे भी फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें, और मेरी वेबसाइट है www.travelingrush.in, उस पे भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप ये वीडियो के बारे में कमेंट करें, और मेरा ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ाएं। धन्यवाद।